तो फ्रेंड अपनी गाड़ी निकल चुकी है पनांगर जबलपुर जाने के लिए। वहां पर बागेश्वर धाम वाले पंडित जी आ रहे हैं, तो वहां टेंट की किस प्रकार सजावट हुई है उस नज़ारा को देखने के लिए और आपको दिखाने के लिए। फ्रेंड हम आज की वीडियो में तुमको बागेश्वर धाम के लाइव दर्शन कराएंगे और बागेश्वर धाम में क्या क्या तैयारियां हो रही हैं, बस बिल्कुल हम वहां का नज़ारा तुम्हें साक्ष दिखाएंगे। तो फ्रेंड बने रहिए अपने चैनल में और ये देखिए एक से बढ़कर एक दिलचस्पी मंजर होने वाला है। यहाँ पर JCB जा रही है और पेट्रोल पंप के साइड में हो रहा है और एक से बढ़कर एक बाहर के बुलाए हुए मैकेनिक मिस्त्री आए हुए हैं। टेंट की कितनी सुपर सजावट सज्जा हो रही है और हम बिल्कुल दिलचस्पी आंखों को नजर लगाए हुए हैं और कैमरा को बिल्कुल टिकाए हुए हैं, तुमको वहां का लाइव दर्शन करा रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड और ये जो है बागेश्वर धाम का स्पेशल मंजर है, बागेश्वर धाम जबलपुर पनांगर जो 25 मार्च से होने वाला है 31 मार्च तक। यहाँ पर दिव्य दरबार भी लगेगा और ये टेंट जो है 20 एकड़ में लगाया गया है, 20 से 50 एकड़ में टेंट लगाया गया है। और यहाँ पर टेंट ऐसा वैसा नहीं है, हवा तूफान आ जाए कुछ भी आ जाए ये गिरने वाला रुकने वाला टेंट नहीं है और कार्यक्रम रुकने वाला नहीं है, ऐसा का टेंट लगाया हुआ है। तो देखिए हम इसको घूम घूम कर दिखाते हैं, देखिए हम चलते जाते हैं और आपको दिखाते जाते हैं। इतना सुपर देखिए एक से बढ़कर एक कारीगर, एक से बढ़कर एक मिस्त्री। यहाँ पर देखिए तो कितनी सुपर पंडाल बन रही है, ये पंडाल तो हर जगह लगती है, पता नहीं ये हमारा सौभाग्य अब प्राप्त होगा कि नहीं होगा ऐसे के पंडाल देखने का। इसलिए बने रहिए अपने चैनल में और हम तुमको पूरा फुल मंजर दिखाने की फुल कोशिश करेंगे और पूरा एक एक से पास में जा जाकर तुम्हें वहां का लाइव दर्शन कराएंगे। तो देखिए फ्रेंड, तो फ्रेंड अब देखिए अब हम तुमको पीछे वाला फुल स्क्रीन में अब तुमको वीडियो का दर्शन करा रहे हैं। JCB लगी हुई है, बड़ी बड़ी क्रेन लगी हुई है और क्रेनों के माध्यम से ये टेंट बनाया जा रहा है और वेल्डिंग मशीन भी लगी हुई है और ये जो है अच्छी तरीका से बनाया जा रहा है, हवा तूफान भी कुछ ना बिगाड़ पाए। क्या है कि मौसम कभी भी ख़राब हो सकता है, इसलिए ये पक्के रूप में लाने से पहले कितने दिन पहले लगाया जा रहा है क्रेनों की मदद से और JCB की मदद से। और ये बनकर अभी आधा तैयार हो गया है, 25 तारीख से होना है जो यज्ञ और भागवत कथा और इसमें दिव्य दरबार भी लगेगा। जो दिव्य दरबार है वो 27 और 28 तारीख को लगेगा और दिव्य दरबार की वीडियो भी आएगी और जो इसमें कलश यात्रा निकाली जाएगी उसकी वीडियो भी आएगी। और ये पंडाल जो है बनकर काफ़ी तैयार हो गया है और इसको हम पास जाकर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर जो स्टेज है मेन स्टेज किस प्रकार की तैयारियाँ हो रही हैं मेन स्टेज में और यहाँ पर जो है मंच बनाया जा रहा है और सभी कारीगर अपनी अपनी जवाबदारी से लगे हुए हैं। तो इसमें अभी 2-3 लोग दिख रहे हैं, इसमें फिर भी 100 लोग से कम नहीं लगे हुए हैं काम करने के लिए और आसपास के लोग देखने के लिए आते हैं और वीडियो बनाकर चले जाते हैं। देखो मंच भी कितना बड़ा बन रहा है और ये जो है थर्माकोल से सजाया जा रहा है, थर्माकोल भी कितना सुंदर कितना सुसज्जित दिख रहा है और इसमें लाइट की व्यवस्था भी अच्छी खासी हो रही है और हम बिल्कुल आपको पास से नज़दीक से फुल नज़ारा दिखाने की फुल कोशिश कर रहे हैं। और ये सामान भी बिखरे पड़े हुए हैं और इसी में गुरुदेव जी का मंच रहेगा और यहाँ पूरे में पब्लिक रहेगी, लाखों लाखों की संख्या में इसी के नीचे सभी लोग पंडाल के अंदर रहेंगे और हर जगह जो होता है बाहर भी लोग रहते हैं और भीतर भी लोग रहते हैं, तो इसके अंदर जितने आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो बाहर रहना पड़ता है। और यहाँ तो लोग हालांकि 24 घंटा रहते हैं, जितने दिन यहाँ पर भागवत पुराण या कथा चलती है जो एक सप्ताह का रहता है, यहाँ पर मैटी पड़ी हुई है और यहाँ साइड में जो है
खाना बनाने के लिए अलग से टेंट भी बनाया गया है, जहां पर खाना बनाने के लिए लाखों श्रद्धालु भक्तों की व्यवस्था की जाएगी। तो वो दर्शन भी हम तुमको कराएंगे। अभी टेंट को हम घूम घूम कर आपको काफ़ी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कितना बड़ा टेंट लगा हुआ है। तो अपन भज्जा ऐसे की वीडियो बनाते ही रहते हैं और अपने चैनल में जो है वीडियो डरीच रहे थे, और बागेश्वर धाम की तो अपन पूरी वीडियो बना है, कैसे कि अपने क्षेत्र में हो रहा है और अपन खुद क्षेत्री हैं यहाँ पे। वो मंच तो भाई साहब बहुत ही शानदार बन रहा है, ये प्योर थर्माकोल लगा रहे हैं। क्यों भाई थर्माकोल लगा रहे हैं ना? तो हाँ, वे भी अभी पानी पी रहे हैं, अभी बताने का नहीं है उनको। और ये लोग है जो है स्पेशल पर्दा भी लगा रहे हैं और वाटर प्रूफ। फ्रेंड आप देख सकते हो कितना विशाल का टेंट लगा हुआ है। यहाँ पर सभी लोग बिल्कुल अपनी अपनी जवाबदारी से काम कर रहे हैं। कितनी ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, क्रेन से ये टेंट बनाया जा रहा है। और ये देखिए लोग अपने जोखिम डाल डाल कर काम कर रहे हैं। ये भारी विशाल काय कितना सुपर टेंट लगा हुआ है, देखने का नज़ारा ही एक अलग होता है फ्रेंड। सो देखिए हम बिल्कुल पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको दिखाने की, और बिल्कुल स्पेशल मंजर होने वाला है फ्रेंड। और एक से बढ़कर एक मेटी मेरे ख्याल से यहाँ पर गद्दा भी मखमल के लगाए हुए हैं। और मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है कैसे कैसे मिस्त्री कहाँ के, टेंट की कीमत ही कितनी होगी और पता नहीं सर, मैं तो बता नहीं सकता। तो फ्रेंड हमने आपको काफ़ी अच्छी तरीके से पूरा एक एक तरीका से पूरा आसपास घूम घूम कर पूरा टेंट दिखाने की फुल कोशिश की। और आप जो है देखिए यहाँ पर एक तरफ से सजावट सज्जा भी होने लगी है, और देखिए बिल्कुल कितना रंग बिरंगे सजावट सज्जा भी बिल्कुल चालू है। और वहाँ पर भी दिव्य दरबार जहाँ लगना है वहाँ पर भी चालू है। और यहाँ पर देखो कपड़े भी उसमें लगाए जा चुके हैं, और मेटी भी बिछाई जा चुकी हैं, और स्पेशल गद्दा रंग बिरंगे तरीका से बिल्कुल कितना सुपर मंजर दिख रहा है। तो देखिए आल यहाँ पर जो है कार्यकर्ता लोग भी अपनी अपनी जवाबदारी से काम करने में लगे हुए हैं, और अंदर कार भी खड़ी हैं, ट्रक भी खड़े हैं, माल भी आ रहा है, और जो जो माल लगने का है वो माल आ रहा है। और बिल्कुल 25 तारीख से इसको रेडी करके देना है, यानी कि 25 मार्च से बिल्कुल तैयार करके देना है। और 25 मार्च को कलश यात्रा भी विशालकाय निकाली जाएगी। तो अभी बिल्कुल बने रहिए अपने चैनल में, हम तुमको और आगे का नज़ारा और घूम घूम कर दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या है कि छोटी सी वीडियो में भी हर चीज़ दिखा पाना संभव नहीं होता। बिल्कुल अब हम वहाँ अलग और दूसरी जगह और जा रहे हैं, जहाँ पर खाना बनाने की तैयारी हो रही है, खाना बनाने के लिए और लोगों को रुकने की व्यवस्था की। यहाँ पर जो है दिव्य दरबार लगेगा, और इस साइड जो हम दिखाते हैं वहाँ पर जो सजावट सज्जा हो गई है, एक से एक प्रकार से बिल्कुल काफ़ी जगह में बनाया जा रहा है। देखने का ही अभी मंजर अलग ही होता है। तो हम जो है आपको इसलिए अभी बता रहे हैं क्योंकि जब आप आओगे भीड़ रहेगी तो तुमको यहाँ पर आ पाना मुश्किल हो पाएगा। तो देखिए फ्रेंड कितनी सुपर बेहतरीन तैयारी हो रही है, और रंग बिरंगे तरीके से सजाया जा रहा है, और जगह जगह पर गेट बनाए जा रहे हैं। और इससे जो होगा कि पुलिस प्रशासन की अच्छी खासी व्यवस्था कर पाएगी पब्लिक को समेटने की। इसलिए पूर्णतः तरीके से कितना स्पेशल बनाया गया है। तो देखो बिल्कुल, और आप जो आओगे ना भीड़ में तो इतना सब देखने को नहीं मिलेगा। जो आप वीडियो में देख सकते हो वो आप आँखों से नहीं देख सकते, क्योंकि इतनी भीड़ रहेगी उस टाइम पर, इतनी भीड़ रहेगी आप तो जानते ही हो। कितने सुपर देखो मखमल के गद्दे बिछाए गए हैं, ये मखमल के गद्दे हैं भाई साहब, जो आपको इतनी बेहतरीन तरीके से दिख रहा है अभी टेंट का मंजर जो है। हम बिल्कुल आपको
पूर्ण तय तरीके से पूरा तरीके से दिखाने की फुल कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए स्पेशल एक तरीका से लाइन से बिल्कुल बहुत सुसज्जित सुंदर ढंग से यहाँ पर लगाया जा रहा है। और कितना विशाल काय टेंट है, हमने आपको बताया ही था कि ये 20 से 50 एकड़ में लगाया जा रहा है ये टेंट। और काफ़ी बड़ा ग्राउंड है और यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी व्यवस्था भी है, तो किसी को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इस टाइप की व्यवस्था की गई है यहाँ पर। तो हम आपको हर व्यवस्था दिखाने का बिल्कुल पूर्णतः कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है अभी कम ही लोग दिख रहे हैं, यानी कि काम करने वाले और काम करवाने वाले हैं, और एक दो कैमरामैन भी घूम रहे हैं यहाँ पर, जो कैमरा लिए हैं और वीडियो बना रहे हैं। और सभी लोग बिल्कुल अपनी अपनी आस्था में बिल्कुल मग्न हैं और काम में भी बिल्कुल मग्न हैं। तो हम तुमको बिल्कुल पूर्णतः तरीके से बिल्कुल आस पास से घूम घूम कर पूरा मंजर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो यहाँ पर जो है ये तैयार भी हो चुका है, जो बिल्कुल लगभग 25 तारीख को उनको कंप्लीट करके देना है। और हम तुमको जहाँ खाना बनना है यानी कि भोजन की व्यवस्था होना है वहाँ की ओर ले चलते हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं कि भोजन कहाँ बनना है, चूल्हे किस टाइप के बने हैं, तो हम चूल्हे बने हुए भी आपको दिखाने की पूर्णतः कोशिश करेंगे बिल्कुल। और हम जाते जा रहे हैं आगे को जाते जा रहे हैं, लोग बिल्कुल जितनी गंदगी हो रही है उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फ्रेंड देखिए कितने चूल्हे बनाए जा चुके हैं, ये चूल्हे जो है खाना बनाने के लिए बनाए गए हैं। यहाँ पर भोजन की व्यवस्था होगी और जितने पब्लिक आएगी, जितने श्रद्धालु भक्त आएंगे उनको भी भोजन कराया जाएगा, और जिसकी घर में व्यवस्था है वो खाकर आएंगे। तो फ्रेंड हमने जो पहलू आया सभी पहलुओं को दिखाया, और पसंद वीडियो आई हो और आगे की वीडियो फिर आएंगी यहाँ की, तो हम उनको भी दिखाने